जो तवक्कुआत थी एक आम पाकिस्तानी को, एक कश्मीरी को, या के उम्मत मुस्लिमा के वो तमाम लोग जो इस वक्त नज़र रख के बैठे थे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म क्या तकरीर करेगा, क्या खिताब करेगा, आपको क्या लगता है कि तवक्कुआत कितना पूरा हो सकी हैं? फिर ये कि उन्होंने तकरीर तो पिछले साल भी बहुत अच्छी की और इस साल भी बहुत ही अच्छी की। मैं दोहराता हूँ कि किसी दूसरे वज़ीर आज़म से इसकी तवक्को नहीं हो सकती थी, मगर भरपूर सफारती मुहिम उन्होंने नहीं चलाई पूरा साल और अभी भी इसकी तरफ उन्होंने कोई इशारा नहीं किया। ठीक है अमजद शेर सर, मैं आपकी तरफ अमजद शेर साहब आऊंगी। ये अभी आपने हारून साहब की गुफ्तगु सुनी है, हारून साहब के मुताबिक और हम सब ये जानते हैं कि भरपूर तरीके की सिफारती मुहिम नहीं चलाई गई कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये जो कहा जा रहा था कि मसला कश्मीर को उजागर किया जाएगा, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लाया जाएगा, इस खिताब के बाद वो कितना मकसद हासिल हो सका? देखिए बात यह है कि जहां तक तकरीर का ताल्लुक है, तकरीर पिछले साल भी अच्छी थी, इस दफा भी तकरीर जामे थी, अच्छी थी, लेकिन वही एक तो जो हारून साहब बात कर रहे हैं कि तकरीरें ये एक सालाना रस्म बन जाती है अगर आप इसका फॉलो अप एक्शन ना करें, अगर आप इसका बाद में एक कैंपेन के तौर पे उन्हीं नुकात के ऊपर अपनी सफारतकारी ना करें जो आपने तकरीर में उठाए हैं, तो फिर ये एक बेकार सी चीज बन जाती है। ये बिल्कुल आपकी एक रस्मी हो जाती है चीज की आपने एक सालाना रस्म अदा कर दी। लेकिन इसमें भी और पिछले साल की तकरीर में भी जो एक कमी, और मैं हर दफा ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी और बहुत सारी जगहों पे जब सेमिनार वगैरह में मैं जाता हूं तो मैं ये पॉइंट उठाता हूं, हमने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है भारत के एक नैरेटिव से और उसी की वजह से आज हम FATF में भी फंसे हुए हैं, वो है जो भारत आपके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। अभी चंद दिन पहले अमेरिकन के साथ मिलकर उन्होंने ज्वाइंट कम्युनिके इशू किया और उसमें उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान को भारत में दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए और पाकिस्तान को उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो लोग इसमें मुलव्वस थे। अब वो फिर बॉम्बे का किस्सा और पठानकोट वाला वो दोबारा खोल के उसके ऊपर वो तकरीर करवाने लगे हैं। ये वो चीज है जिसने दुख की बात है कि 70-80 हजार लोग मारे गए पाकिस्तानी और भारत दहशतगर्दी कराता रहा, भारत मुलव्वस था APS के वाकये में भी। कुलभूषण आपके पास है, उसने मनी ट्रेल भी आपको दी है, वो सर्विंग ऑफिसर है और आप लोगों को कभी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने मुंह अपने माथे से ये कलंक धोने के जनाब हम दहशतगर्दी है, दहशतगर्द तो भारत है। हमें ये भी नहीं तौफीक हुई कि हम उस मनी ट्रेल को लेके तो FATF में चले जाते भारत के खिलाफ और वहां कहते कि जनाब हमारे पास तो सबूत है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के भी और ये है मनी ट्रेल ना, प्राइम मिनिस्टर कभी ये बात करते हैं। और नतीजा ये कि आप इन्हीं चक्करों की वजह से FATF में भी फंसे हैं, दुनिया आपको टेररिस्ट समझती है और दुनिया आपके ऊपर हर जगह तनकीद भी करती है और जब भारत कोई विजिटर आता है बाहर से उससे जो ज्वाइंट कम्युनिके इशू करवाता है उसमें आपको वाज़े कहा जाता है कि आप टेररिस्ट हैं। हम रोज कहते हैं कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, हमें भारत ने कभी कोई सबूत नहीं दिया, तो फिर दुनिया के सामने क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं ये जिक्र करते अपनी यूनाइटेड नेशन की तकरीर में इस चीज का। ये वो चीज है जिसने पाकिस्तान को बहुत हद तक डैमेज किया है, बहुत हद तक डैमेज किया है, लेकिन यहाँ किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि ये भारत का असल चेहरा जो रोज कहते हैं कि हम उसका भारत का असल चेहरा बेनकाब करेंगे, असल चेहरा ये है कि भारत एक टेररिस्ट मुल्क है, लेकिन यहाँ किसी ने ये काम नहीं किया। ठीक है ठीक है। अच्छा भट्टी साहब अमजद शेख साहब जो बातें कर रहे हैं, हारून साहब ने जो बात की है, हम दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया के सामने हम अपनी कामयाबियों को रखते हैं, करप्शन की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इमरान खान साहब बात करते हैं, अमजद शेख साहब ने अभी FATF से मुतालिक बात की है, ये जो मामलात हैं अंदरूनी तौर पे ही हुकूमत इनके मामलात में खुल उलझी हुई नजर आती है, ऑपोजिशन की तनकीद हमें सुनने को मिलती है, तो ऐसे में जब अंदर से हमें मुज़ाहमत है तो दुनिया के सामने अपनी क्या कामयाबियां हम रख पाएंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी तकरीर थी, पहली मरतबा भी अच्छी तकरीर थी, इस मरतबा भी अच्छी तकरीर थी। भारत को उन्होंने RSS नाजीज़म और हिटलर और वो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी, मुस्लिम कत्लेआम और 20 लाख मुसलमानों की शहरियत के हवाले से, तुहीन रिसालत, तुहीन मज़हब के हवाले से, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन अफ़गानिस्तान के हवाले से अच्छी तकरीर थी, यानी फोकस तकरीर थी। और आप सारे मुस्लिम उम्मा के रहनुमाओं के, खैर मुस्लिम उम्मा नहीं, मुस्लिम अम्मा, बेवा अम्मा,
सारे सब के आप उनके सुन लीजिएगा बाद में और देख लीजिएगा, अगर ये इतने इस तरह किसी ने टू द पॉइंट और फोकस्ड बात की हो। अब आ जाएं इस पर कि तकरीर का असर क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सफारतखाने सुस्त निकले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जंग उतनी पुरअसर नहीं है सफारती जितनी होनी चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर-ए-खारजा क्यों लगाया गया, वो तो पहले से देखे गए थे कि किस किस्म की उनकी खारजा पॉलिसी रही है, किस किस्म के उनके मामलात होते हैं खारजी जो वो हल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इतने नाकाम थे, इमरान खान साहब तो एक मोटिव लेकर आए थे पाकिस्तान में, तो फिर कुरैशी साहब को क्यों वज़ीर खारजा चुना गया? देखिए जी, इस क्यों पे आएँ तो उस्मान बुज़दार पे भी करते हैं कि क्यों लगाया गया, महमूद ख़ान पे बात कर लेते हैं कि क्यों लगाया गया, फिरदौस आशिकवान पे बात कर लेते हैं कि क्यों लगाई गई। कुरैशी साहब ने कश्मीर का मामला उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से उठाया जा सकता था। APS के जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, उसका जिक्र इस किताब के अंदर होना चाहिए था जो नहीं हुआ। तो क्या अपोजिशन ये जो बात करती है कि सकूत कश्मीर की जो असल जिम्मेदार है वो इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो आप इससे मुत्तफिक होंगे? देखिए, ऑपोजिशन तो कर रही है सियासत। फैक्ट ये है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जब मोदी ने उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, एक तरफा एक्शन किया, तो एक चीज वाजे हुई कि ये फिर मसला जो कि दबा हुआ था ये सामने आ गया आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन के साथ, ये पब्लिक में और दुनिया में उठा। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और इसमें इतना गैर कानूनी काम, उसकी जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह उसने बनाई वो भी एक गैर कानूनी, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल अकवाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, फिर वहां पे जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, ये सारी चीजें दुनिया को रटानी पड़ती हैं, आपको बार बार दोहरानी पड़ती हैं, इसको हर जगह जा जाके इसका ढोल पीटना पड़ता है। इंडिया भी सफारतकारी कर रहा है, आप भी करेंगे तो आपका एक मुकाबला है उनके साथ, आपने उनसे बेहतर करनी है सफारतकारी। अगर वो 24 घंटे काम करते हैं तो आपको 36 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक क्लाउट है दुनिया में, उसका एक इंपैक्ट है ऑलरेडी। तो आप जब करेंगे कुछ नहीं, तकरीर करके घर आके बैठ जाएंगे, तो फिर आपका क्यों कौन सुनेगा, आपके साथ कोई नहीं। मैं जो टेररिज्म की बात कर रहा था, ये मैं इतना मुझे दुख होता है कि ये किसी को इस चीज का एहसास नहीं है, इतना डैमेज कर रही है हमें चीज। आप देखिए कि जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज कराची पे अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त क्या दिया कि जनाब भारत ने किया है। इस किस्से को इसका ढोल पीटते रहना चाहिए था ताकि अमेरिकन और सारे उनके कानों में ये चीज बजती। आदमी पब्लिक स्कूल का किस्सा रोज उठाना चाहिए। आपने यूनाइटेड नेशन को 4 लोगों के नाम भेजे भारतीयों के कि जी इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें, वहां अमेरिका चूंकि उनकी मर्जी नहीं थी वो टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन आपने उसकी तफसील दी हुई थी और तफसील ये थी कि जनाब ये लोग APS के दो में से APS के उसमें वाकई में मुलव्वस थे। भारत को जैसे पता चला कि उनका कवर ब्रेक हो गया तो भारत ने उनको उठा के वापस अफगानिस्तान से उठा के उनको वापस ले गया इंडिया में। लेकिन अगर अकवामे मुत्तहिदा ने नहीं माना तो आपको कौन रोकता है कि आप दुनिया में जाके इसका ढोल ना पीटें, अमेरिका को भी शर्मिंदा करें कि ये देखें इस तरह का इनका डबल स्टैंडर्ड है। आप बोलते ही नहीं, इन चीजों को इतना पीछे फेंका हुआ है कि मतलब सबसे ज्यादा जो दुख की बात है कि अगर 70-80 हजार लोग हमारे मारे गए और मरवाए भी भारत ने वहां से अफगानिस्तान से टेररिज्म करवा के, बच्चे हमारे 150 मारे गए वहां पे, और फिर हमारे माथे पे ये कलंक है जना हम टेररिस्ट हैं, इससे बड़ी और गाली क्या हो सकती है आपको? ठीक ठीक है। अच्छा भट्टी साहब जहां से आपसे हमारा ताल्लुक टूटा था वहीं से आगे बात को बढ़ाएंगे। जी जी, मैं अच्छा देखिए, एक तो जो बात की मोहतरम हारून रशीद साहब ने, जनरल अमजद शोएब साहब ने, उनके साथ एग्री करते हुए आगे बढ़ते हुए, अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें, आप हैं क्या? भूखे नंगे कर्जों में जकड़े हुए, आपके साथ कितने लोग हैं? 2 साल आप सकूते कश्मीर, आपने लफ्ज एक इस्तेमाल कर लिया, इमरान खान उसके अपोजिशन कहती जिम्मेदार है, इसका मतलब है सकूते ढाका का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है? मैंने नहीं, वो ये जो बदहाली हुई है इसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है? मेरे जाती नहीं है, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। ये जितनी दहशतगर्दी, ये भी इमरान खान, देखिए खुदा के लिए हकीकत क्या है, ये अक़वामे मुत्तहिदा यरगमाल है, चंद बड़ी ताकतों के पास इलीट क्लब है, कुछ नहीं करेगा।
बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है, बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है, वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। ओआईसी मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। ओआईसी दुबई यूएई में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये मफादात की दुनिया है बदकिस्मती से। आज मुस्लिम दुनिया नो ट्रेड विद भारत कर दे, सारे भारतीयों को कह के हम निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुल्म होना बंद हो जाएंगे। आज पांचों बड़ी ताकतें बैठ जाएं फलस्तीन इसराइल पर तो सारा हो जाए। आपका हाल क्या है? कभी यूएई तस्लीम कर रहा है इसराइल को, कभी फलाना तस्लीम कर रहा है। आप क्या हैं? आप कभी किसी से कहते हैं मेरे बैंक में पैसे रखवा दें, कभी किसी से कहते हैं कि हमारे बंदे ले जाएं, कभी किसी से कहते हैं कि कुछ कर जाएं। और कितनी खराबियों के जिम्मेदार, 75,000 जो शहादतें दी, खरबों का जो नुकसान करवाया, आधी कौम ज़हनी मरीज बन गई, इसके बाद आपको, इसके बाद भी आप मशकूक क्यों हैं? इसलिए हैं कि आपकी हैसियत क्या है दुनिया में? 2.25 साल की कमियां, कोताहियां, सुस्तियां, नालायकियां अपनी जगह पे, लेकिन ये 72 साल तसलसल है जो अभी चल रहा है, जो हमारा चल रहा है। आपके हुक्मरानों के, आप बाकी मुल्कों के बादशाहों से ज़ाती तल्लुकात थे, मगर हम मुल्क जो था वो तन्हा था, हम जो थे वो मरे हुए थे। हाँ, आपके सबसे बड़े फैटे, आपके हुक्मरान जो बादशाह थे।